हाँ महाराज, बहुत संक्षिप्त कथा है। दो ही अध्याय में पूरे रामचरित्र को कर दिया है सुखदेव जी ने भागवत में। कुछ दिनों के बाद चारों लालाओं का नामकरण संस्कार हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने चारों का नामकरण संस्कार कराया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत्रे लोक सुपासी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। हो गया नामकरण संस्कार, चारों लालाओं के नाम को रख दिया गया। श्री राम का नाम रखते हुए वशिष्ठ ऋषि ने कहा, ये आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, ये सबको आराम विराम और विश्राम देने वाले हैं। ये सुख के धाम हैं, योगियों के हृदय में ये रमण करने वाले हैं, इसलिए संसार इनको राम के नाम से पुकारेगा। इनकी अंग कांति चंद्रमा के समान होगी, ये सबको अपने स्वरूप से शीतल करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम होगा रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी का नाम रखते हुए कहा, जिनके स्मरण मात्र से विश्व का भरण पोषण हो जाए, जिनके वास से किसी प्रकार की कभी कोई कमी ना रहे, ऐसे कैकेयी कुमार का नाम मैं भरत रखता हूं। बोले भरतलाल जी महाराज की जय। जो समस्त जगत के आधार हैं, श्री राम के प्रिय हैं, समस्त सद्गुणों के लक्षण जिनमें व्याप्त हैं, ऐसे सुमित्रा नंदन का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। बोले लखनलाल जी महाराज की जय।
जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, ऐसे सुमित्रानंदन का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय। वेदों में भी जिनकी कीर्ति का प्रकाश है, चारों लालाओं का नामकरण संस्कार संपन्न करा। महाराज कौशल्या जी की गोद में भगवान श्री राम, कैकेयी की गोद में श्री भरत, और सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। जैसे वासुदेव का चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे ही ये श्री राम का चतुर्व्यूह है। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न। बाल लीलाएं प्रभु अयोध्या के राजमहल में कर रहे हैं। दशरथ जी इन लीलाओं को देखते हैं तो आनंद में भर जाते हैं। समय तेजी से बीत रहा है। भगवान श्री राम, उनकी सेवा में अब श्री लक्ष्मण जी, और श्री भरत जी की सेवा में श्री शत्रुघ्न जी। समय आने पर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में चारों गए और 64 ही दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो गए। अल्पकाल विद्या सब पाई, चारों विद्या प्राप्त करके लौट के महल में आए। कुमारावस्था में श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, धनुष बाण से सुशोभित भगवान श्री राम को चाहे महल में देखें चाहे महल के बाहर, वे धनुष बाण से सुशोभित दिखाई देते हैं। ये धनुष ओंकार है, ध्यान से सुनना। उपनिषद कहते हैं प्रणवो ही धनु, प्रणव ओंकार ही धनुष है, अर्थात ज्ञान का प्रतीक है। और ये जो बाण है ये विवेक का प्रतीक है। भगवान महल में और महल के बाहर इनको धारण करके रखते हैं, इसका अभिप्राय है वे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में अपने दोनों हाथों में ज्ञान और विवेक को धारण करके रखते हैं। भगवान श्री राम का दर्शन करें तो ये सीखें कि हम अपने घर में हों चाहे घर के बाहर हों, दोनों हाथों में ज्ञान और विवेक को सदा धारण करके रखें। और ज्ञान और विवेक से संपन्न होंगे तो बड़ी से बड़ी संकट की स्थिति से भी बाहर निकल करके आ जाएंगे। ज्ञान और विवेक, भगवान श्री राम अयोध्या के राजमहल में। विश्वामित्र जी को सूचना मिली कि प्रभु का अवतार हुआ है। भगवान के अवतार के दो उद्देश्य हैं, पहला है असुरों का संहार और दूसरा है भक्तों को आनंद देना। आज यज्ञ रक्षा के लिए श्री विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को मांग करके लाए। विश्वामित्राधुरेयेन मारीचाद्या निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरत पुंगवः। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर के आए हैं वन में। शुकाचार कहते हैं राजा परीक्षित भगवान ताड़का का उद्धार कर चुके हैं, श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है प्रभु ने, और रक्षा करते हुए उन्होंने सुबाहु का तो उद्धार किया और मारीच को बिना फरके बाण से उठा करके लंका में फेंक दिया। सुबाहु माने लोभ, मारीच माने मृग तृष्णा। भगवान ने यज्ञ में लोभ और मृग तृष्णा ये दोनों ही बाधा होती हैं, तो प्रभु ने लोभ का तो यज्ञ में नाश किया है। भैया कोई यज्ञ करें कोई अनुष्ठान करें तो फिर उसमें लोभ कभी नहीं करना चाहिए, ये लोभ असुर है उसके बीच में। फिर तो बड़े प्रेम और भाव से दिल खोल के अनुष्ठान को करना चाहिए। श्री राम ने लोभ का नाश किया और मारीच को मृग तृष्णा को दूर फेंक दिया। अब यज्ञ की रक्षा की है तो भैया प्रसाद तो मिलेगा ही। सूचना आई श्री विश्वामित्र जी के पास जनकपुर में। महाराज जनक ने
अपनी कन्या जानकी जी के स्वयंवर का आयोजन किया है। श्री विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर के लिए चले। यहां प्रभु ने अहिल्या जी को उनके पति के श्राप से मुक्त किया और जनकपुर में श्री राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ। और भैया आज वो दिन आ गया जिसकी प्रतीक्षा है। महाराज जनक की सभा खचाखच भरी हुई है और महाराज जनक की सभा में श्री विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर के पधारे। तीनों आसन पर बैठे, बड़े बड़े राजा राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं और जनक जी की सभा भरी हुई है। महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा है कि उनके पास भगवान शिव का एक धनुष है और उन्होंने ये घोषणा कराई कि जो भी राजा राजकुमार इस शिव धनुष को उठा के इस पर केवल प्रत्यंचा ही चढ़ा देगा उसी के साथ मेरी बेटी जानकी का विवाह होगा। अब प्रत्यंचा चढ़ाना शिव धनुष पर यह सरल काम तो नहीं है, लेकिन अभिमान में चूर राजाओं ने राजकुमारों ने मन में यही सोचा, अरे हम तो खेल ही खेल में प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, ये स्वयंवर हम ही जीत के जाएंगे। अब देखो जब अहंकार अहंकार को उठाना चाहता है तो अहंकार का भार और बढ़ ही जाएगा ना। सब शंकर जी का धनुष अहंकार का प्रतीक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के स्वामी चंद्रमा है, बुद्धि के स्वामी ब्रह्मा है, चित्त के स्वामी नारायण है और अहंकार के स्वामी भगवान शंकर है। शिव धनुष माने अहंकार का प्रतीक। अब कोई अहंकार में भर के इसको उठाने के लिए जब आएगा और अहंकार अहंकार का स्पर्श करेगा तो अहंकार का भार बढ़ ही जाएगा ना साहब, फिर वो उठने वाला नहीं है। महाराज जनक की घोषणा मन ने पढ़ के सुना दी। अब तो महाराज एक एक करके सब राजा राजकुमार आने लगे। जानकी जी अपनी माता और सहेलियों के साथ ऊपर अटारी पर बैठी हैं, जयमाला उनके पास है। जनकपुर वासी तो श्री राम की छवि देख के मन में ये विचार करने लगे कि हे प्रभु, हमने अपने जीवन में जो कुछ सुंदर किया है उसका फल यही देना कि हमारी बेटी जानकी का विवाह श्री राम के साथ हो। राजा आ रहे हैं, हाथ लगाते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन ये शिव धनुष हिलता भी नहीं है। हार करके एक एक करके अपने अपने स्थानों पर जाकर के बैठने लगे और जब सब हार करके अपने स्थानों पर बैठ गए तो महाराज जनक को क्रोध आ गया और महाराज जनक ने कहा कि अरे मैंने ऐसी विचित्र प्रतिज्ञा क्यों कर ली, अब तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और क्रोध में आके महाराज जनक ने कहा, अब ऐसा ही लगता है कि मेरी बेटी जानकी को सारी उम्र कुंवारी ही रहना पड़ेगा, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की। जब ये कहा कि धरती वीरों से खाली हो गई, ये प्रतिज्ञा क्यों की मैंने, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी उठकर के खड़े हुए और कहा कि बस महाराज, जिस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री राम विराजमान हो उस सभा में कोई इस प्रकार के वचनों को नहीं कहता। और मेरे भैया की मुझे आज्ञा नहीं है, आप इस शिव धनुष की क्या बात करते हैं, मैं इस शिव धनुष के सहित पूरी की पूरी पृथ्वी को उठा करके हजारों योजन दूर फेंक सकता हूं, लेकिन मेरे भैया की मुझे आज्ञा नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, ये छोटा वाला हमेशा ही गड़बड़ करता है, कहो प्यारे बैठ जा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपने सुना नहीं। कहा, अरे बोले कैसा भी हो भाई बात, हो तो मेरे होने वाले ससुर ही हैं, उनसे झगड़ा क्यों करता है, चलो बैठो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपने नहीं सुना, महाराज जनक ने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है।
श्री राम ने कहा तो सत्य ही कहा है, ये पृथ्वी वीर विहीन हुई है लेकिन अभी रघुवीर विहीन नहीं हुई है। महाराज जनक ने केवल वीरों की बात की, मैं वीर नहीं हूं, मैं महावीर भी नहीं हूं, मैं तो रघुवीर हूं। अब ऐसा थोड़ी कहा कि रघुवीर विहीन मही मैं जाने, बैठ जा नहीं लक्ष्मण गड़बड़ होगा सभा। लक्ष्मण जी बैठ गए। अब जनक जी को लगा बात तो सत्य है, श्री राम ने तो अभी तक शिव धनुष पर अपने दोनों हाथ आजमाए नहीं, हां और मैंने ये बात बोल दी, लेकिन अब महाराज जनक श्री राम से कैसे कहें, क्योंकि कहने का अवसर वे चूक गए हैं। विश्वामित्र जी की ओर देखा और संकेत किया, बोले गुरु जी आप ही अपने चेलवा को कहो ना कि थोड़ा धनुष पर हाथ आजमा ले। हां विश्वामित्र जी ने देखा कि सही समय आ गया है और शुभ मुहूर्त जब तक निकले नहीं तब तक श्री राम धनुष भंग के लिए उठें कैसे, और जब समय शुभ आ गया तो तुलसीदास जी ने लिखा बिल्कुल स्पष्ट घोषणा हो गई, विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। श्री राम जय जय हो, समय आ गया और जब शुभ मुहूर्त लगा तो विश्वामित्र जी ने श्री राम की ओर देखा और कहा कि हे रघुवर अब आप उठिए, समय शुभ आ पहुंचा है और इस शिव धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ दीजिए और महाराज जनक के ताप का हरण कर लीजिए। भगवान श्री राम को आज्ञा हुई, श्री रघुवीर अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। बैठे हुए सभी राजा राजकुमार सोचने लगे कि जिस शिव धनुष को हम हिला भी ना पाए ये कोमल सा बालक उसको कैसे तोड़ देगा, हम भी देखते हैं। भगवान श्री राम ने मन में सोचा बेटा जो कुछ सोचना है सोच लो, हाँ अभी परशुराम जी के रूप में आता हूं फिर तुम्हारी खबर लेता हूं। हाँ सो कोमल शरीर प्रभु का और भगवान एक एक करके सीढ़ियां उतर करके नीचे आए। सबकी दृष्टि श्री राम पर, श्री राम की दृष्टि शिव धनुष के ऊपर, देवताओं की भीड़ आकाश में, हाथों में आ गए फूल, देवता भी तैयार, बड़े बड़े संत महात्मा नेत्र बंद समाधि में इस दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके प्रभु उतर करके आए हैं, शिव धनुष की परिक्रमा लगाई, मध्य में आकर के खड़े हुए, फिर मन ही मन वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम किया, गणेश जी का स्मरण किया, शिव पार्वती की वंदना की, सबकी दृष्टि श्री राम पर, मेरे प्रभु की दृष्टि शिव धनुष पर, और देखते ही देखते भगवान श्री राम ने शिव धनुष को बीच में से उठाया, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही प्रत्यंचा को खींचा शिव धनुष को दो भाग में तोड़ के भूमि पर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
प्रभु दउ चाप खंड मही डारे और देखी लोग सब भये सुखारे। देगति उर वियति गुर विसर्व पवे समुद्र सर्व्याल बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंत लर खरत परत दसुकंद मूक बर सुर विमान हिमवान भानु संगठत परस्पर चौके बिरंच शंकर सहित कोल कमठु अहि कल मल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो। बोलिए सीताराम भगवान की। भैया रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन, तो यही हो गया सीताराम। हा शिव धनुष का भंग हुआ, पूरी की पूरी पृथ्वी कांपने लगी। रावण भी अपने आसन से गिर पड़ा नीचे। नदियों की धारा उल्टी बहने लगी। स्वर्ग में नाच रही रंभा अप्सरा नीचे गिर पड़ी। ब्रह्मा जी वेद का पाठ कर रहे थे, गड़बड़ा गए, भूल गए। ऋषियों की समाधि खुल गई। दसों दिक्पाल चिंगाड़ने लगे। समुद्र का जल उबाल लेने लगा विचित्र शब्द, और दसों दिशाएं गुंजायमान होने लगी। देवता आकाश से पुष्पों की बरसात करने लगे। जनक जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। परशुराम जी आए, उनको संतुष्ट कर दिया प्रभु ने। और उसके बाद जानकी जी बड़ी भारी जयमाला लेकर के मेरे प्रभु के सामने आके खड़ी हुई। हाँ, हमारे महात्मा लोग यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कहते हैं। समय थोड़ा है इसलिए बहुत विस्तार में तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन बड़ी सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर हैं। जयमाला लेकर के जानकी जी भगवान श्री राम के सामने आके खड़ी हुई। सहेलियां पीछे खड़ी हैं। हाँ, सो जैसे ही सीता जी सामने आई, सो श्री राम और भी तन करके खड़े हो गए। देखो ऐसा ही होता है ना, जब आप लोग सब जानते हो, तो महाराज तन करके खड़े हो गए। अब एक तो श्री राम सीता जी से लंबे हैं, और फिर लगभग 2-3 फुट का मुकुट तो पहन ही रखा होगा, तो लंबाई उनकी बड़ी हुई है। और अब जब तक वे झुके नहीं, तो बताओ सीता जी उनको जयमाला कैसे पहनाए। जनक जी तो बहुत दूर ऊंचे आसन पर बैठे हैं, दूर से ही देख रहे हैं। हाँ, विश्वामित्र जी अपनी माला जपने में लगे हैं, वो भी दूर से देख रहे हैं। मंत्री महामंत्री सैनिक सेनापति सब खड़े होकर देख रहे हैं। जनकपुर वासियों की भीड़ लगी है वहां सभा में। सहेलियों ने श्री रघुवर को कहा, रघुवर आप थोड़ा झुकिए ना, तो जानकी जी आपको जयमाला धारण कराए। हाँ, श्री राम ने कहा, हमने जो काम किया है वो झुकने वाला तो है नहीं, सो हम क्यों झुक जाएं यहां पर। हाँ, क्या ये झुकने वाला काम है? सो हमारा सीधे ही जवाब दे दिया। सहेलियों ने कहा, रघुवर आप झुकेंगे नहीं तो जयमाला कैसे पहनाएंगे, थोड़ा झुकिए ना। श्री राम ने कहा कि मैं तो रघुवंशी हूं, झुकना नहीं आता मुझे। हाँ, जो काम मैंने किया वो झुकने वाला थोड़ी है। अब जब तक झुके नहीं, जयमाला गले में आई नहीं, तब तक कथा आगे चले नहीं, श्री कृष्ण जन्म हो नहीं। तो सहेलियों ने सेनापति की ओर देखा और कहा, आप ही थोड़ा समझाओ ना श्री रघुवर को, झुक जाए तो बेटी जानकी जयमाला पहना दो उनको। हाँ, सेनापति ने सोचा कि जानकी जी मेरे लिए बेटी के समान है, यद्यपि मैं श्री राम को कहूं ये मर्यादा के अनुकूल नहीं, लेकिन फिर भी प्रार्थना तो मैं कर ही सकता हूं। सेनापति आए और श्री राम को कहा, रघुवर रघुवर आप थोड़ा झुक जाइए ना, जिससे बेटी जानकी आपको जयमाला पहना दे। हाँ, श्री राम ने कहा, मैं सेनापतियों से बात नहीं करता, मैं अयोध्या का ज्येष्ठ राजकुमार हूं। सेनापति को एक ही बार में ना कर दिया। अब सभा में जितने लोग थे उनको लगा, पता नहीं बीच में ये क्या बात हो रही है, इतनी बड़ी सभा है, दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो लगा ऐसा ना हो कि जिस समय जानकी जी जयमाला पहनाए श्री रघुवर को, उस समय हमारी पलक झपक जाए। तो महाराज जितने लोग सभा में थे ना, उन सब ने अपनी पलकों को पकड़ लिया। हाँ, ये पलक अब तभी छोड़ेंगे जब जयमाला वाला मामला निपट जाए। हाँ, पकड़ लिया। लक्ष्मण जी ने भी अपनी पलकों को पकड़ लिया, खबर नहीं है ये झपक जाए उस समय। सेनापति को मना कर दिया।
विश्वामित्र जी माला फेर रहे हैं, सोचने लगे अरे ये इतना विलंब क्यों होता है बीच में। जनक जी को भी समझ में नहीं आ रहा क्या बातचीत होती है उधर। सब पलकों को पकड़ करके खड़े। सेनापति ने सोचा क्यों ना महाराज जनक से ही कहूं। सेनापति जी ने दौड़ लगाई, दौड़ते हुए महाराज जनक के पास आए और कहा महाराज आप ही समझाइए ना श्री राम को, वे झुकते नहीं और जब तक झुके नहीं तो बेटी जानकी कैसे जयमाला धारण कराए हम, इतनी भारी जयमाला उनके हाथ में। जनक जी ने कहा कि श्री राम ने धनुष भंग करके मेरी प्रतिज्ञा का सम्मान कर दिया, अब उनसे मैं झुकने के लिए कैसे कहूं, ये बात मर्यादा के अनुकूल तो ना होगी। सेनापति ने कहा तो श्री राम कैसे झुकें। जनक जी ने कहा एक काम करो, तुम गुरु जी से ही जाके कहो ना, वे ही अपने चेलवा को कहेंगे कि थोड़ा झुक जाओ। हा सो सेनापति दौड़ लगा रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं फिर इधर जाते हैं, और मारा दौड़ते हुए सेनापति विश्वामित्र जी के पास आए। सबने अपनी पलकों को पकड़ करके रखा है, आके कहा गुरुजी आप ही अपने चेला को कहो ना थोड़ा झुक जाए, क्योंकि जब तक झुकेंगे नहीं जयमाला गले में आएगी नहीं, कथा आगे चलेगी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा भैया ये माला वाला का चक्कर हम नहीं जानते, हम ठहरे महात्मा, धनुष तोड़वाना सर तो तोड़वा दिया, अब ये माला वाला का चक्कर तो तुम ही लोग जानो। हाँ बाद में कौन कौन खड़े होकर फोटो खिंचवाएगा ये भी बाद में देख लेना। महाराज गुरु जी ने भी मना कर दिया। हाँ अब सेनापति सोच में पड़ गए किसको कहूं, लौट करके आए और सहेलियों को कहा कोई भी मानने को तैयार नहीं, सबके पास अपने कारण है। सहेलियां सोचने लगी कि इस सभा में ऐसा कौन है जो श्री राम को झुका दे, चारों ओर दृष्टि घुमाई, सो हमारे लक्ष्मण भैया के ऊपर आकर के दृष्टि रुक गई। लक्ष्मण जी श्री राम चरित्र में ऐसे हैं जिनको हंसी नहीं आती है, हंसते नहीं है वो, और जब वो प्रसन्न भी होते हैं तो ऐसा लगता है क्रोध में ही खड़े, हंसते नहीं है वो। अब आप सोचो कि पूरी राम कथा में लक्ष्मण जी कहां पर हंसे। आप लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते हो, एक स्थान ऐसा है जहां लक्ष्मण जी हंसे हैं, बाकी वो कभी हंसते नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि लक्ष्मण जी कहां हंसे। लक्ष्मण जी जब रावण के दो दूत शुक और सारद वानर वेश लेकर के भेद लेने के लिए आए और पकड़े गए और वानरों ने उन्हें मारने की तैयारी की, तो अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने श्री राम की ही सौगंध दी, बस उसी स्थान पर लक्ष्मण जी को जाकर के हंसी आई है, बाकी लक्ष्मण भैया हंसते नहीं है। सहेलियों ने लक्ष्मण जी को संकेत किया आप ही श्री राम को कहिए ना झुकें, झुकेंगे नहीं तो जयमाला पड़ेगी नहीं संकेत में, और यदि यहां काम बन जाएगा तो हम तुम्हारा काम भी बनवा देंगे, ऐसा भी कह दिया। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जिस सुंदर दृश्य को देखने के लिए मैं यहां पर हूं भैया उसमें इतना विलंब क्यों कर रहे। पलकों को पकड़ रखा है सबने। उसी समय लक्ष्मण जी को एक युक्ति सूझी, सो लक्ष्मण जी दूर से दौड़ते हुए आए, आके कहा भैया अब बधाई हो आपको, आपके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी जैसे ही चरणों में आए श्री राम ने कहा अरे लक्ष्मण उठो उठो, और जैसे ही श्री राम झुके जानकी जी ने जयमाला उनके गले में डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। महाराज देवता पुष्पों की बरसात करने लगे, आनंद होने लगा। महाराज जनक तो दूर से देख रहे हैं, सबने अपनी पलकों को छोड़ दिया और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा सबके बहने लगे, आनंद होने लगा, मंगल होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सूचना भिजवाई गई महाराज दशरथ के पास, वे लेकर के आए भरत और शत्रुघ्न को और फिर एक ही मंडप में विधिवत वैदिक मंत्रों के बीच में भगवान श्री राम का विवाह सीता जी के साथ संपन्न हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ संपन्न हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ संपन्न हुआ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुत कीर्ति जी के साथ संपन्न हुआ।
चारों सपत्नी पधारे अयोध्या जी में, तब अयोध्या में भी उत्सव मनाया जाने लगा, आनंद होने लगा। लेकिन उत्सव को मानो अब यहां किसी की नजर लगे। देखो ये घटनाक्रम अब घूम रहा है। महाराज दशरथ के मन में एक दिन इच्छा हुई कि मैं अयोध्या की राजगद्दी श्री राम को दूं, लेकिन विधि का विधान कुछ दूसरा है। श्री राम को राजगद्दी के स्थान पर 14 वर्ष के वनवास की प्राप्ति हुई। कैकई ने कोप भवन के अंदर जाके महाराज दशरथ से 2 वचन मांगे, पहला भरत का राज्याभिषेक और दूसरा श्री राम के 14 वर्ष का वनवास। श्री राम लक्ष्मण जी माता जानकी वल्कल वस्त्रों को धारण करके आज अयोध्या जी को छोड़ करके सुमंत जी के रथ पर सवार होकर के वनवास की यात्रा के लिए चले। अयोध्या वासियों के हृदय में तो मानो आघात हो गए। श्री राम नहीं तो हम नहीं, श्री राम नहीं तो हमारे जीवन में कोई उत्सव नहीं। और सुमंत जी के रथ के पीछे ये अयोध्यावासी दौड़ पड़े। महाराज तमसा नदी के किनारे भगवान सबको सोता हुआ छोड़ करके आगे की ओर यात्रा में निकल गए। सुमंत जी के रथ पर सवार श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज से भगवान की मित्रता हुई। सुमंत जी को वहां से लौटाया। सुमंत जी अयोध्या में, श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी अब पैदल ही वनवास की यात्रा में। प्रयाग में भरद्वाज मुनि से उनका मिलना हुआ। इसके बाद वे यात्रा करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पधारे। वाल्मीकि ऋषि से मिलना हुआ और फिर भगवान आगे की यात्रा में चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, वन में कभी जल में ये भीगने लग जाते हैं, कभी सूर्य के प्रकाश में तपने लग जाते हैं। जरा विचार करके तो देखो, अयोध्या की राजगद्दी का उत्तराधिकारी संत महात्माओं के समान वल्कल वस्त्रों को धारण करके निरावरण चरण वन के कटीले मार्गों पर चल रहा है। यहां अयोध्या जी में मां कौशल्या के नेत्रों से जल गिर रहा है, श्री रघुवीर का स्मरण आ रहा है। वनवास की यात्रा में प्रभु सुमंत जी से जब सूचना मिली श्री राम लौट कर के ना आए, तो दशरथ जी ने मेरे प्रभु के वियोग में अपने देह का त्याग किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हर रघुवर विरह राउ गयो सुरधाम। महाराज भगवान चित्रकूट के अंदर हैं। यहां अयोध्या जी में सब मेरे प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तो आइए हम भी उनके साथ मिलकर के श्री रघुवीर का स्मरण करें। मुझे मेरे रघुवर की सुधियाई, मुझे मेरे रघुवर की रघुवर की सुध आई।
कठिन समय निरावरण चरण मेरे प्रभु। Thank you.
रघुबर की सुध आई मुझे मेरे रघुबर की सुध आई मुझे मेरे रघुबर की श्री राम कठिन समय माता जानकी और लक्ष्मण जी साथ में श्री भरत शत्रुघ्न अपने नाना जी के हाथ से लौट के आए। अयोध्या में समस्त घटनाक्रम का उन्हें ज्ञान हुआ, दशरथ जी का अग्नि संस्कार हुआ और श्रीमान भरत मेरे प्रभु को मनाने चित्रकूट में पधारे। भगवान माने नहीं, 14 वर्ष से पूर्व अयोध्या में पैर नहीं रख सकते, पिता को वचन दिया है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा ना हनुमान चालीसा में कि सब पर राम तपस्वी राजा। पहले तपस्वी के समान 14 वर्ष रहना पड़ा, फिर अयोध्या के राजा बने। तो सब पर राम तपस्वी राजा, अपनी चरण पादुकाएं श्रीमान भरत को दी है। जो भजन में रत है वही भरत है।
अयोध्या के पास नंदी ग्राम में श्री भरत जी वास कर रहे हैं और मेरे प्रभु श्री राम का भजन कर रहे हैं। मेरे भैया भूमि पर शयन करते हैं तो मुझे अधिकार नहीं कि मैं भूमि पर शयन करूं। मेरी माता के कारण मेरे भाई को 14 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ा, मैं भी इसके लिए दोषी हूं। इसलिए भूमि में गड्ढा खोदूं और भूमि से नीचे शयन करूं, ऐसा मेरा संकल्प है। श्रीमान भरत जी ने भूमि में गड्ढा खोदा और वे भूमि पर भी शयन नहीं करते, वे भूमि से नीचे शयन करते हैं। गौमूत्र में बने दलिये को पाते हैं, श्री राम का भजन करते हैं, केश जटाओं के रूप में बदल गए, वलकल वस्त्रों को धारण कर रखा है, शरीर सूख गया, एक एक अस्थि का दर्शन होने लगा, लेकिन धन्य है श्रीमान भरत का भजन। भरत सरस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जप जय ही। श्री राम भरत जी का भजन करते, कैसा उच्च आदर्श है इस कथा में। चित्रकूट में मेरे प्रभु सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान इसके बाद आगे चलते हुए पंचवटी पहुंचे, पर्णकुटी बना के वहां वास कर रहे हैं। एक दिन रावण की बहन सुर्पणखा श्री राम लक्ष्मण पर आसक्त होके वेश बदल के वहां आई और सीता जी के अहित का प्रयास जब इसने करना चाहा तो भगवान श्री राम के संकेत पर लक्ष्मण जी ने सुर्पणखा के नाक कानों को काट दिया। नाक कान बिनु भई विकरारा, जैसे गेरू की धारा बहने लग जाए ऐसे रक्त की धारा नाक और कान के स्थान से बहने लगी, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और वहां से गई सीधे रावण के पास। खरदूषण का वध भी भगवान कर चुके हैं, तब परिणाम स्वरूप मारीच को निमित्त बना करके रावण ने माता सीता का हरण किया। जटायु जी ने प्राणों की बाजी लगा दी, पंख काट दिया रावण ने जटायु का, सो जटायु रक्त रंजित होके आकाश से भूमि पर गिरे और जानकी जी को ले जाकर के लंका में अशोक वाटिका के अंदर रावण ने रखा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को ढूंढते हुए आए, जटायु का अग्नि संस्कार किया, सूचना प्रभु को मिल गई, दक्षिण दिशा की ओर भगवान आगे चले हैं। जब चलते हुए आगे आए तो सामने ऋषिमूक पर्वत आया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जिनके हाथों में धनुष पीठ पर बंधा है, तरकश जो बाणों से भरा है, और ये दोनों बार बार ऋषिमुख पर्वत की चोटी की ओर देखने लगे। जिस पर्वत पर ऋषि लोग मूक होकर के भगवान का भजन करें उसको ही ऋषिमूक पर्वत कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि ऋषि लोग मौन होकर के जहां केवल भगवान का भजन करते हैं। इस पर्वत के शिखर पर वानर राज बाली के भाई सुग्रीव का वास है। सुग्रीव को सूचना मिली कि दो तपस्वी जिन्होंने क्षत्रियों के समान धनुष बाणों को धारण किया है पर्वत की तराई से बार बार पर्वत की चोटी की ओर देखते हैं। सुग्रीव को लगा कहीं मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए तो इन दोनों को यहां नहीं भेजा। तब श्री हनुमान जी महाराज को परीक्षा लेने के लिए भेजा। श्री हनुमान जी महाराज विप्र रूप लेकर के आए श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए। श्री राम की कथा हनुमान जी के बिना अधूरी है। थोड़ी सी चर्चा में बीच में श्री हनुमान जी की करूं और फिर कथा आगे चले। श्री राम चरित्र की कल्पना बिना श्री हनुमान जी के नहीं हो सकती। या तो ये भी कह सकते हैं कि भैया श्री राम कथा का संपुट ही श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी हर और हरि का मिश्रण है। वे स्वयं हर भगवान शंकर हैं, एकादश में रुद्रावतार हैं श्री हनुमान जी,
और उनके हृदय में श्री राम है जो हरि है। हर हरि इन दोनों का मेल ही हनुमान जी हैं। हरि हरात्मक होने के कारण हनुमान जी बड़े से बड़े प्रभु के कार्य को भी संपन्न कर लेते हैं। श्री हनुमान जी भगवान शंकर हैं तो उनकी पूंछ ही पार्वती हैं। ध्यान से सुनना, वानर राज केशरी और अंजना जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी के पांच भाई और हैं, गतिमान, मतिमान, श्रुतिमान, धृतिमान और केतुमान, लेकिन सबसे ज्येष्ठ श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन उनके पांचों भाइयों के विवाह हुए हैं और वानर राज केसरी का वंश आगे चला है। श्री हनुमान जी का विवाह यदि हुआ है तो भगवान श्री राम के नाम से हुआ है। श्री हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, उनकी शक्ति, उनकी पूंछ है वही पार्वती जी हैं। हनुमान जी शिव और पार्वती के समन्वय अवतार हैं। आपने श्री हनुमान जी को कभी ध्यान से देखा हो तो जब हम यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो अपनी धर्म पत्नी को सीधे हाथ पर बैठाते हैं और सामान्य रूप से पत्नी वामांगा होती है तो वाम भाग की ओर बैठाते हैं। हनुमान जी भी जब भगवान श्री राम का भजन करते हैं, ध्यान में दिखाई देते हैं, वे कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उनकी पूंछ उनके सीधे कंधे के ऊपर आ जाती है। अब ये पूंछ जो सीधे कंधे के ऊपर आती है, इसका अर्थ यह है कि वे पार्वती को सीधे हाथ देते हैं और जब वे सामान्य रूप से बैठते हैं तो उनकी पूंछ वाम कंधे के ऊपर आ जाती है, पार्वती को वामांगा, वाम स्थान देते हैं। शिव शक्ति के समन्वयात्मक स्वरूप हैं श्री हनुमान जी, ऐसे वे ब्रह्मचारी हैं। श्री हनुमान जी महाराज दास्य भक्ति के साकार विग्रह हैं। हम इष्ट के रूप में किसी का भी भजन करते हो, यदि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमान जी का संपुट लगा लें साथ में, तो हनुमान जी हमको हमारे इष्ट से मिलाने वाले ही होंगे। हनुमान जी प्राण तत्व हैं, ऑक्सीजन ही श्री हनुमान जी हैं। हाँ महाराज, जिस प्राण वायु से हम जीवित हैं वो ही हनुमान जी हैं। विज्ञान के अनुसार ऑक्सीजन का अणु भार 32 होता है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को जब लिखा तब सुरसा के प्रसंग में कहा कि सोरह योजन मुख थे ठयउ तुरत पवन सुत 32 भयउ। हनुमान जी भैया ऑक्सीजन है, ध्यान रखना। और जहां ऑक्सीजन होती है वहां आग, अग्नि, उसका विस्तार हो जाता है। ऑक्सीजन अग्नि को फैलाने वाली होती है, इसलिए लंका दहन का कार्य भी श्री हनुमान जी ने किया, क्योंकि वे ऑक्सीजन है, प्राण तत्व है, प्राणवायु है, और वे जहां अग्नि लगाएंगे वहां अग्नि का विस्तार होगा। ऑक्सीजन के समान हमारे ऊपर उपकार करने वाला कौन है? भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को कहा है कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। हे कपि, हे हनुमान जी, आपके समान उपकार करने वाला कौन होगा? ना तो कोई सुर, ना ही कोई नर, ना ही कोई मुनि, किसी की भी समानता आपके साथ नहीं की जा सकती। आप तो दास भक्ति के परमाचार्य हैं, आप श्री राम दूत हैं, प्राण तत्व हैं श्री हनुमान जी। और मैं आपको कहूं
कि प्रतिदिन आप लोग 5 लाल गुलाब के फूल रोली चावल लगा के श्री हनुमान जी के चरणों में रखना। श्री हनुमान जी को सर्वाधिक प्रिय गुलाब का फूल है और वे जब इस फूल को देखते हैं तो उन्हें जानकी जी के सिंदूर का स्मरण होता है। वे जब इस फूल को देखते हैं तो श्री राम के चरणों का स्मरण होता है और एक ही फूल में उन्हें सीता राम का दर्शन होने लग जाता है। 5 लाल गुलाब के फूल रोली चावल लगा के नित्य हनुमान जी के चरणों में रखना और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ऐसी प्रार्थना 5 बार करना। आपका पूरा दिन निर्विघ्न जाएगा, हनुमान जी आपके बिगड़े हुए कार्यों को भी संवार देंगे। हम ऐसी महिमा है। हनुमान जी को विशेष जो भोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है 2 चीजों का। यदि विशेष मनोरथ हनुमान जी से कुछ चाहिए हो तो 2 चीजों का भोग लगाया जाता है। एक है अदरक। अदरक आप जानते हो ना, हाँ। और दूसरा है जायफल। अदरक और जायफल 2 ऐसी चीज हैं जिसका भोग लगा के हनुमान जी से विशेष मनोरथ को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रोज ही हनुमान जी को आप अदरक और जायफल का भोग लगाओ, ऐसा ना करना, नहीं हनुमान जी हमको कहेंगे। हाँ, विशेष परिस्थिति में जब कोई कार्य ना समर रहा हो, हनुमान जी को विशेष रूप से आह्वान करना हो, तब इनका भोग लगाया जाता है। अब सामान्य रूप से तो भैया लोग बेसन के लड्डू का भोग लगाते ही हैं हनुमान जी को। हनुमान जी का यज्ञ जब करें, श्री हनुमान जी के नाम की आहुति दें, तो वो आहुति सूजी के हलवे की होनी चाहिए। हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए घृत की आहुति नहीं दी जाती, यज्ञ कुंड में सूजी के हलवे की आहुति दी जाती है। और सूजी के हलवे की आहुति देने से श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। अद्भुत हैं हनुमान जी। महाराज, श्री हनुमान जी शंकर सुवन हैं। हमारे यहाँ गणेश जी और श्री हनुमान जी, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। गणेश जी भी शंकर सुवन हैं। गाइए गणपति जग वंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। श्री हनुमान जी भी शंकर सुवन हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। आप गणेश जी का पूजन करो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी का पूजन कर लो, गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों पे ही सिंदूर का चोला चढ़ता है, दोनों को ही बेसन के लड्डू प्रिय हैं, दोनों के पास पशु का रूप है, एक के पास सूंड है, दूसरे के पास पूंछ है, दोनों ही मंगल मूर्ति हैं, दोनों ही विघ्न हर्ता हैं, दोनों का दर्शन द्वार पर प्रथम होता है, इसलिए ये दोनों समान है। तो गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। और शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। श्री हनुमान जी का दिन मंगलवार है और गणेश जी का दिन बुधवार है। लेकिन आप बताओ, यहां मुंबई में सिद्धि विनायक भगवान है ना, तो सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होती है उनके यहां? मंगलवार को होती है। अब आप जरा ये सोचो कि गणेश जी का दिन तो मंगलवार नहीं होता है, अब गणेश जी तो उसी दिन ज्यादा फल देते होंगे जो दिन उनका होता होगा, तो मंगलवार को जाना चाहिए कि बुधवार को जाना चाहिए? बुधवार को ही जाना चाहिए। फिर क्यों जाते हो मंगलवार को? इसलिए जाते हो क्योंकि गणेश जी और हनुमान जी में कोई भेद नहीं है। हाँ, एक को प्रसन्न कर लो, दूसरा तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। अद्भुत हैं श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज, उनको नित्य 7 हनुमान चालीसा आप सुनाना। 7 हनुमान चालीसा का पाठ करने से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं।
महाशिवरात्रि जब आती है तो महाशिवरात्रि को भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने के बाद यदि उनको 111 हनुमान चालीसा के पाठ सुनाए जाएं तो भगवान शंकर अपनी किसी भी स्तुति से 100 गुना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी संतुष्ट होते हैं हनुमान चालीसा से। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख हुई। 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब वार में कितने दिन होते हैं? 7 ही तो दिन होते हैं। सप्ताह को क्या बोलते हैं? सतवार भी बोलते हैं। तो यहां दोनों ही अर्थ हैं, ध्यान से समझना आप। जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई। 7 बार सतवार वार के 7ों दिन 7 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करके महासुख को प्राप्त कर लेगा। आवागमन ही तो बंधन है, उसके ही हम बंधी हैं। और छूट ही बंदी महासुख हुई, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, मर जाना, फिर किसी गर्भ में चले आना। और महाराज जब आ जाए तो जीवन जीने की आशा ऐसी कि मरने की इच्छा ना हो। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शरीर गल जाता है लेकिन फिर भी जीवन जीने की इच्छा जवान ही बनी रहती है, युवान ही बनी रहती है। इसलिए 7 बार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना, वार के 7ों दिन। विशेष फलदायी है श्री हनुमान चालीसा। हनुमान जी महाराज को शनिवार को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। जब सिंदूर का चोला चढ़ाएं तो उसके साथ 3 चीज और उन्हें समर्पित करनी चाहिए। क्या है वो 3 चीजें? एक है पान का पूरा पत्ता, दूसरी है पूरी सुपाड़ी, और तीसरा है यज्ञोपवीत जनेऊ। ये 3 चीज श्री हनुमान जी को समर्पित करनी चाहिए। शनि के गुरु हैं श्री हनुमान जी, और श्री हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य। शनि के मन में अपने पिता सूर्य के प्रति बैर भाव है, लेकिन श्री हनुमान जी ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच का सामंजस्य हैं। यदि श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो भगवान सूर्य की कृपा भी मिलती है और शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। हनुमान जी तो सेतु हैं, वे मिलाने वाले हैं। तो आइए जरा वाणी के द्वारा श्री हनुमान जी को प्रणाम करें और फिर कथा में आगे की ओर चलें। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोल वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय हो। बोलो साला सर्व जय हो।
आवे अर्ज लगावे, जो कोई 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 आवे अर्ज लगावे, सब की सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सब की सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला बाबा, बजरंग बाला फेरू तेरी माला बाबा, बजरंग बाला फेरू तेरी माला बाबा, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी
कोई साथी, रक्षा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, रक्षा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, बोल वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, बोल वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी बाबा, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी बाबा, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी बाबा, अर्जी हमारी जी तुम्हारी बाबा, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, हनुमाना अति रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम हो, राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है सज्जनों, जितना उनके लिए कहा जाए वो कम ही लगता है। जिसने बाल अवस्था में सूर्य को मधुर फल समझ करके मुख में रख लिया हो, उसकी महिमा को इस साधारण मुख से गाया नहीं जा सकता। काल को भी जिसने अपने मुख में रख लिया हो, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। हनुमंत का अर्थ ही होता है हरि नारायण ओम तत्सत। हनुमंत शब्द जो है, हा का अर्थ है हरि, ना का अर्थ है नारायण, नीचे ऊ की मात्रा और फिर है मा ओम, और ता माने तत्सत।
हरि नारायण ओम तत्सत का मंत्र श्री हनुमान जी के प्रत्येक रोम से बह करके बाहर निकलता है, फिर दिन रात इसका जप करते रहते हैं। श्री हनुमान जी को गौधूली बेला में घी के दीपक से आरती करके भगवान श्री राम के जन्म की स्तुति आप लोग नित्य घर में सुनाया करो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस स्तुति का गौधूली बेला में यदि पाठ करके हनुमान जी की आरती की जाए तो हनुमान जी की कृपा मिलती है। यदि शरीर में कोई रोग हो, शरीर में कोई व्याधि हो, तो श्री हनुमान जी महाराज की मंगलवार को गौधूली बेला में घी के दीपक से जब आरती की जाए तो आरती करने के बाद उस दीपक में से थोड़ा सा घी लेकर के दोनों हाथों की हथेली पर यदि 11 बार मल लिया जाए तो श्री हनुमान जी बड़ी से बड़े रोग को दूर करने वाले होते हैं, ऐसी महिमा उनकी। तो हरि नारायण ओम तत्सत, हनुमंत वही हैं, वे विप्र रूप लेकर के आए हैं श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए। पहचान गए प्रभु को, सुग्रीव के पास लाए, मित्रता हुई श्री राम की सुग्रीव से, इसका परिणाम ही बाली वध कहलाता है। सुग्रीव किष्किंधा के राजा हुए और तब समस्त वानरों को एकत्रित किया गया सीता जी को ढूंढने के लिए। चारों दिशाओं में चार वानरों की टुकड़ियां भेजी गई। दक्षिण दिशा में दो टुकड़ी समुद्र किनारे पहुंची, उसमें श्री हनुमान जी भी हैं और वे ही प्रभु मुद्रिका को मुख में रख के सागर पार गए। सीता जी की सुध को लिया, विभीषण को मंत्र दिया और लंका का दहन करके प्रभु के चरणों में लौट करके आए। भगवान श्री राम की मुद्रिका उन्होंने सीता जी को दी और सीता जी की चूड़ामणि लाकर के उन्होंने श्री राम को दी। मुद्रिका को भेजने का मतलब भगवान श्री राम ने मुद्रिका को हाथ की उंगली में पहना जाता है ना साहब, तो सीता जी को आशीर्वाद भेजा, अभय भेजा मुद्रिका के द्वारा कि चिंता ना करना, मेरा आना अवश्य है और रावण का वध भी अवश्य होगा। इसके उत्तर में सीता जी ने चूड़ामणि को भेजा। अब चूड़ामणि सिर में पहनी जाती है, इसका अर्थ है कि आपने जो आशीर्वाद और अभय भेजा उसको सिर झुका करके हमने स्वीकार कर लिया। ये आभूषणों की भाषा होती है, ऐसे ही थोड़े कि किसी ने मुद्रिका भेज दी, किसी ने चूड़ामणि उठा के भेज दी, ऐसा नहीं होता। अब देखो, जहां ये स्वयं बात नहीं कर पा रहे वहां आभूषणों से बात हो रही है। भैया, रावण ने विभीषण का त्याग किया, विभीषण जी भगवान श्री राम की शरण में, श्री राम समुद्र किनारे, रामेश्वर भगवान का पूजन हो गया, राम सेतु का निर्माण हो गया, सेना सहित श्री राम लंका में, और श्री राम रावण का युद्ध अंगद के शांति प्रस्ताव के अस्वीकार होने के बाद प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े अतिरथी वीर इस युद्ध में मारे गए और अंतिम युद्ध श्री राम और रावण के बीच में हुआ। कुल मिलाकर के 31 बाणों से भगवान श्री राम ने रावण का संहार कर दिया। बोले रावण मर्दन भगवान की जय। देवता आकाश से पुष्पों की बरसात करने लगे। भगवान ने सीता जी को अशोक वाटिका के बंधन से मुक्त कराया। विभीषण का राजतिलक प्रभु पहले कर चुके हैं, उनको राजगद्दी पर बैठाया। पुष्पक के द्वारा भगवान आने की तैयारी कर रहे हैं। श्री हनुमान जी पहले यहां आए, भरत जी को सूचना दी, फिर उधर पहुंचे और श्री राम सीता जी के सहित अपने सभी प्रिय लोगों को पुष्पक में साथ लेकर के लंका से अयोध्या जी की भूमि पर पधारे। जैसे ही पुष्पक विमान आकर के अयोध्या की भूमि का स्पर्श करने लगा, जय जयकार हुई,
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या की राजगद्दी पर श्री राम और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, हो गया राज तिलक। अयोध्या के राजा हैं श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री राम के दो पुत्र हुए कुश और लव, लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए अंगद और चित्रकेतु, भरत जी के दो पुत्र हुए तक्ष और पुष्कल, और शत्रुघ्न जी के दो पुत्र हुए सुबाहु और श्रुतसेन। भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों को एक एक राजधानी दी शासन करने के लिए। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा हुए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, तो भगवान श्री राम ने उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ राजस्थान का एक भाग है जिसको भरतपुर कहा जाता है। ये भरतपुर भरत जी को दिया शासन करने के लिए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी जिसको लखनऊ कहा जाता है, इसका मूल नाम था लक्ष्मणपुर, लक्ष्मण जी को दिया शासन करने के लिए। और मथुरा नगरी भगवान श्री राम ने दी शत्रुघ्न को शासन करने के लिए। लवणासुर का वध करके शत्रुघ्न मथुरा नगरी के राजा हुए, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप लोग जानते हैं सब। तो भगवान श्री राम ने अपने तीनों ही भाइयों को एक एक राजधानी दी शासन करने के लिए, और वे स्वयं केंद्र में रहे, अयोध्या में रहे, और वहां से प्रत्येक राजधानी के नियंत्रण को उन्होंने अपने हाथ में रखा। राजा को साम दाम दंड और भेद चारों ही विद्या में निपुण होना चाहिए। भगवान श्री राम इन चारों में ही निपुण हैं। सुग्रीव के साथ मित्रता करना, इसको साम नीति कहा जाता है। मनुष्य और पशु में कभी मित्रता होती नहीं, लेकिन यदि अपना लक्ष्य साधना है तो पशु को भी समान अधिकार देना पड़ेगा, अपना मित्र बनाना पड़ेगा, बगल में बैठाना पड़ेगा, इसको साम नीति कहते हैं। फिर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, इसको दाम नीति कहते हैं। ऐश्वर्य दिया सुग्रीव को, बाली का वध किया, इसको दंड नीति कहते हैं। और किष्किंधा का युवराज सुग्रीव के पुत्र को नहीं बनाया, बाली के पुत्र अंगद को बनाया, इसको भेद नीति कहते हैं। साम दाम दंड और भेद, जो इन चारों में निपुण है वही राजा होने का अधिकारी है। और शासन कैसे किया जाता है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये श्री राम से सीखने की बात है। श्री राम शासन करना जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं सूर्यवंश का आगे का वर्णन करने के बाद, हे परीक्षित, जब राम नाम लिखने से पत्थर सागर पर तैर सकता है, तो श्री राम का नाम लेने से ये जीव भव सागर से कैसे नहीं तर सकता। श्री राम की मर्यादा जब जीवन में होगी परीक्षित, तभी श्री कृष्ण की कथा में प्रवेश किया जा सकता है। सीधे श्री कृष्ण की कथा सुनोगे, वे तो लीला पुरुषोत्तम है, बुद्धि घूम जाती है मेरे गोविंद की लीलाओं को देख करके। इसलिए पहले श्री राम की मर्यादा जीवन में आनी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। अब मैं सोम वंश का, चंद्र वंश का वर्णन करने के लिए जा रहा हूं, जिस वंश में तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं। सो ध्यान से सुनना, इस चंद्रवंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजा हुए हैं। हे परीक्षित, नारायण के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, जिनसे चंद्रवंश प्रारंभ होता है। चंद्रमा के ही पुत्र हैं बुध, और बुध के ही पुत्र हैं पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में आगे छह पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। अब देखो परीक्षित,
इसी चंद्रवंश में आगे एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ गाधी। गाधी तने ही श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं। उनके लिए एक नाम आता है गाधी तनय। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। इसी चंद्रवंश में आगे राजा हुए नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। इन 6 पुत्रों में जो श्री ययाति महाराज हैं, उनके ही सबसे बड़े पुत्र का नाम महाराज यदु है। यदु के नाम पर चंद्रवंश को यदुवंश के नाम से भी जाना जाता है, जैसे रघु के नाम पर सूर्यवंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है, यदुवंश के नाम से। इसी वंश में आगे राजा हुए देवमीड़ परीक्षित। राजा देवमीड़ की 2 पत्नी हैं। एक पत्नी से उन्हें 2 पुत्र मिले, अर्जन्य और परजन्य, और दूसरी पत्नी से उन्हें 1 पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम हुआ शूरसेन। राजा देवमीड़ की पहली पत्नी गोप घराने की है, तो उनसे जो 2 संतान हैं अर्जन्य और परजन्य, उनमें से परजन्य जो हैं, इनका विवाह भी गोप घराने की कन्या वरियसी के साथ हुआ। परजन्य और वरियसी के 5 पुत्र हुए, 2 पुत्रियां हुई, उपनंद, अभिनंद, श्रीनंद, नंदन, सनंद। 2 पुत्रियां हुई, नंदा और सुनंदा। शूरसेन जी महाराज जो हैं परीक्षित, इनके वसुदेव आदि कई पुत्र हुए, और वसुदेव जी के भी अनेकों विवाह हुए, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला। और वसुदेव जी की सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी। देवकी के प्रथम 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया राजन। 7वें पुत्र श्री बलराम जी और देवकी जी को 8वें पुत्र के रूप में परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। भगवान ने मथुरा कंस के कारागार में जन्म लिया। पलना झूलने के लिए प्रभु गोकुल में पधारे। महाराज आकर के किया श्री वृंदावन में, और 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में कंस का वध मथुरा आकर के किया। उद्धव जी को गोपियों की सुध लेने के लिए श्री वृंदावन भेजा। फिर श्री कृष्ण द्वारकाधीश हुए। 16,108 उनके विवाह हुए। प्रत्येक पत्नी से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। विशाल उनका परिवार हो गया, और महाराज दुष्ट राजाओं का संहार करके उद्धव आदि अपने प्रिय भक्तों को उपदेश करके भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की अपनी लीला संपन्न करके इस धराधाम को छोड़ के स्वधाम गमन कर गए। ये श्री कृष्ण की कथा कहकर के सुखदेव जी महाराज बिल्कुल मौन हो गए, नेत्र बंद हुए उनके, और पूरी की पूरी ऋषियों की सभा स्तब्ध रह गई। बोलते बोलते सुखदेव जी मौन क्यों हो गए? सब टकटकी लगा करके देखने लगे। परीक्षित जी भी अपलक नेत्रों से भगवान शुकाचार्य के मुखारविंद की ओर देखने लगे, और फिर हाथ जोड़ करके उन्होंने सुखदेव जी को निवेदन किया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। गुरुदेव, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का बहुत विस्तार से मुझे वर्णन किया, लेकिन जिन गोविंद की कथा सुनने के लिए मैं एक आसन पर बैठा हूं 4 दिनों से, क्या आपको नहीं लगता उन श्री कृष्ण की कथा आपने मुझे थोड़ा जल्दी सुना दी? क्या हो गई श्री कृष्ण की कथा पूरी? क्या इतनी ही है श्री कृष्ण की कथा? सुखदेव जी ने कहा, राजन सब तो कह दिया, कहां जन्म हुआ, कहां पलना झूले, कहां महाराज किया, कहां कंस मारा, कैसे द्वारकाधीश हुए, क्या छोड़ा, सब कह दिया।
परीक्षित जी के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी और हाथ जुड़ के कहा, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण तो मेरे कुल देव हैं, जिन श्री कृष्ण की कृपा से मेरे बाबा पांडवों ने महाभारत के युद्ध को ऐसे ही जीत लिया जैसे कोई गाय के बच्चे के खुर के गड्ढे को पार कर जाए। यदि श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आज मैं आपके सामने बैठकर के कथा ना सुन रहा होता। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी माता के गर्भ में ही मेरा नाश हो जाता, मेरे गोविंद ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की। उन श्री कृष्ण की कथा मुझे ऐसा लगता है आपने थोड़ा सा जल्दी मुझे सुना दी। जो गोविंद मेरे प्राण दाता हैं, मैं उनके चरित्र को बहुत विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप मुझे विस्तार से श्री कृष्ण की कथा कही। और दूसरी बात यह है गुरुदेव कि आपने बलराम जी को देवकी जी का पुत्र कहा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि बलराम जी तो रोहिणी जी के पुत्र थे। तो देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, एक ही बलराम जी दो माताओं के लाला कैसे हो गए, मैं ये भी थोड़ा जानना चाहता हूं। ये श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद है, ध्यान से सुनना। इसको निरोध स्कंद कहा जाता है। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और ग्यारहवां मन, इन सब का श्री कृष्ण में लय होना ही निरोध कहलाता है। और श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद जो है इसको निरोध स्कंद कहा जाता है। इसी स्कंद में सुखदेव जी आगे श्री कृष्ण के जन्म की कथा कहने वाले हैं। श्रीमद् भागवत के पहले के नौ स्कंद नौ मास गर्भावस्था के प्रतीक हैं। और जैसे दसवें महीने में पुत्र का जन्म होता है, इसीलिए भगवान सुखदेव अब भागवत के दशम स्कंद में श्री कृष्ण के जन्म की कथा कहने के लिए जा रहे हैं। ये पूर्व के नौ स्कंद नवधा भक्ति के प्रतीक हैं और नवधा भक्ति सिद्ध होने के बाद ही भगवान का जन्म होता है, भगवत प्राप्ति होती है। इसीलिए भागवत के इस दशम स्कंद में सुखदेव जी अब श्री कृष्ण के जन्म की कथा कहने के लिए जाने वाले हैं। ये पूर्व के नौ स्कंद भैया साधक की सगर्भा स्थिति है और जब भजन सिद्ध होता है तो मेरे गोविंद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद भागवत जी का हृदय है। हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति, भगवान का जन्म हृदय में ही होता है। इसलिए सुखदेव जी अब दशम स्कंद में श्री कृष्ण के जन्म की कथा कहने वाले हैं। कहा, परीक्षित देख, मैंने बहुत श्रोता देखे पर मैंने तेरे जैसा श्रोता ना देखा। तुम चार दिनों से बिना उठे एक आसन पर भागवत की कथा सुन रहे हो। अरे भूख प्यास लगी होगी, पहले उठ के थोड़ा जलपान कर लो, फिर मैं तुमको श्री कृष्ण की कथा विस्तार से कहूं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं। पिबंतम त्वम मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृतम, मैं आपके मुखाम्बोज मुख कमल से निस्रत हो रही अच्युत भगवान श्री कृष्ण के कथामृत का पान कर रहा हूं, तो मेरे मन में सांसारिक जलपान की क्या इच्छा। और मैं जलपान करूं या ना करूं, सात दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। इसलिए हे गुरुदेव, आप केवल केवल और केवल श्री कृष्ण कथामृत का मुझे पान कराइए, मैं कृष्ण की कथा का पान करना चाहता हूं। सुखदेव जी संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और कहा, राजन तेरी बुद्धि श्री कृष्ण कथा में आकर के स्थिर हुई है, तुम राजर्षि सत्तम हो, तो मैं तुम्हें अब श्री कृष्ण की कथा विस्तार से कहता हूं, ध्यान से सुनना। सावधान तनया श्रणु, सावधान होके सुनना। जिस सावधानी से कथा कही जाती है वैसी ही सावधानी से कथा को सुना भी जाता है। कथा को कहना जैसी कुशलता है वैसी ही कुशलता कथा को सुनना भी है। शरीर को रख दिया कथा में, तो इस शरीर को तो कहीं भी रखा जा सकता है, घर में रख लो, ऑफिस में रख लो, कहीं भी रख लो,
लेकिन मन को यदि रख दिया श्री कृष्ण की कथा में, तो समझना कि हाँ कथा सुनने की कला हमको जीवन में प्राप्त हो गई। कैसे कथा सुनी जाती है? सावधान होकर परीक्षित सुनना, बहा हुआ पानी और बही हुई कथा कभी लौट करके नहीं आते परीक्षित। पृथ्वी के ऊपर असुरों का अत्याचार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मथुरा में बड़े यशस्वी राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। पृथ्वी पापियों के पाप के बोझ से दबने लगी। एक दिन गाय का रूप लेकर के देवताओं सहित भूदेवी श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची और ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया, अब कब प्रभु अवतार लेंगे, अब कब पापियों का अंत करके मुझे पाप के बोझ से मुक्त कराएंगे। देवताओं ने भी हाथ जोड़ के पूछा कि हे पितामह, अब श्रीमन नारायण कब अवतार लेंगे, थोड़ा थोड़ा बताइए ना हमको। श्री ब्रह्मा जी के नेत्र बंद हुए और फिर नेत्र खोल के कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रयार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। हे भूदेवी, हे देवताओं, कुछ ही दिनों के बाद मथुरा कंस कारागार में वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से उनके आठवें पुत्र के रूप में स्वयं श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। वे पापियों का नाश करके भूदेवी तुम्हें उनके बोझ से मुक्त करेंगे और देवताओं तुम्हें अभय प्रदान करेंगे। अब भगवान की लीला का केंद्र ब्रजभूमि होने के लिए जा रहा है, इसलिए हे देवताओं, तुम ग्वाल बालों के रूप में ब्रजभूमि में अवतार लो। पृथ्वी और देवता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चले गए। उग्रसेन जी महाराज धर्मात्मा हैं, सुंदर रूप से प्रजा पर शासन करते हैं, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं है। मन में इच्छा है कि मथुरा की राजगद्दी को उत्तराधिकारी मिले। ब्राह्मणों से निवेदन किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, हम पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाएं और यज्ञ चरु से मथुरा की राजगद्दी को उत्तराधिकारी मिले। उग्रसेन जी महाराज ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। ब्राह्मणों ने उग्रसेन जी महाराज को बैठा करके पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाया और यज्ञ चरु जो निकला उसे प्रसाद के रूप में उग्रसेन जी की पत्नी को दिया। उन्होंने यज्ञ का प्रसाद समझ करके उस चरु को पा लिया। वे गर्भवती हुई, एक दिन मथुरा के महल के बगीचे में घूम रही हैं। उसी समय आकाश से एक राक्षस निकला जिसका नाम है द्रुमिल। द्रुमिल राक्षस की दृष्टि उग्रसेन पत्नी के गर्भ पर पड़ी और ये राक्षस आगे की ओर निकल गया। उग्रसेन जी की पत्नी ने यह घटना उग्रसेन जी को कही, तब उग्रसेन जी ने ब्राह्मणों से बताया कि ऐसी घटना मेरे महल में घटी है, तो इसका अभिप्राय क्या है। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, ये तो अनर्थ हो गया, आपकी पत्नी के गर्भ पर असुर की दृष्टि पड़ी है, इसलिए अब आपके जो पुत्र होगा वो आसुरी वृत्ति वाला होगा और असुर के हाथ में राजगद्दी जाए ये प्रजा के लिए संकट का कारण हो सकता है। तो हमारा निवेदन ये है कि अब आपके यहाँ जिस पुत्र का जन्म हो उस पुत्र को आप श्री यमुना जी में बहा दीजिएगा, मथुरा का मंगल इसी में है। उग्रसेन जी ने कहा, आप लोगों के आशीर्वाद से ही पुत्र होने वाला है, आगे जैसी आप लोगों की आज्ञा। उग्रसेन पत्नी के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ परीक्षित, उसको ही कंस के नाम से जाना जाता है। उग्रसेन जी ने केले के पत्ते में कंस को लपेटा, डलिया में रखा और श्री यमुना जी के अंदर बहा दिया। कंस यमुना जी में बहता हुआ आ रहा है। दूर श्री यमुना जी में खड़े होकर के भजन कर रहे हैं शूरसेन जी महाराज। ये डली आकर के उनसे टकराई तो शूरसेन जी ने ध्यान से देखा, अरे इतने सुंदर बालक को किसने श्री यमुना में बहा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं आज से इसे अपना पुत्र मान लेता हूं
स्वयं को इसका पिता मान लेता हूँ और अपने महल में लेके जाऊं, इसका पालन पोषण करूं। कंस को शूरसेन जी अपने महल में उठा करके ले आए। भैया जो विधि का विधान है वही होकर के रहता है। कंस का पालन पोषण करने लगे। यद्यपि शूरसेन जी के वसुदेव आदि कई पुत्र थे पहले से ही, लेकिन कंस को भी अपना पुत्र माना और इसका पालन पोषण किया। और जब कंस को युवा अवस्था की प्राप्ति हुई, आसुरी वृत्तियां इसकी हावी हो गईं। महाराज स्नान से पहले एक घंटा मल्ल युद्ध लड़ता है, क्रूरता इसकी आंखों में चमक मारती है, दूसरों को सताने में इसे आनंद आता है। असुर की दृष्टि का प्रभाव इसके चरित्र में दिखाई देने लगा परीक्षित। इसके चलने मात्र से लोग भयभीत हो जाते हैं। एक दिन कंस शूरसेन जी के महल में बैठा है, उसी समय देवर्षि नारद का वहां पर आगमन हुआ। नारायण 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 नारायण, नारद जी आ गए। देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी आए, कंस ने प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, ओ हो, मेरे सामने मथुरा का होने वाला राजा खड़ा है। कंस ने कहा, देवर्षि क्या कह रहे हैं आप, मैं मथुरा का राजा, मेरा मथुरा से क्या संबंध है? नारद जी ने कहा, देखो हो गई ना गड़बड़ कंस, मैं तो इसीलिए किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ क्योंकि थोड़ा भी मुख के बाहर निकले तो पूरा बता नहीं पड़ता यहाँ। तुम शूरसेन जी के पुत्र नहीं हो, तुम मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हो और मथुरा की राजगद्दी के उत्तराधिकारी हो। कंस ने कहा, यदि मैं उग्रसेन जी का पुत्र हूं तो शूरसेन जी ने मुझे पाल पोस करके बड़ा क्यों किया? नारद जी ने कहा, अरे देखो कंस, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारे पिता को ब्राह्मणों ने संतों ने भड़का दिया और तेरे पिता ने तुझे केले के पत्ते में लपेट के डलिया में रख के श्री यमुना के अंदर बहा दिया। ये तो भला हो, शूरसेन जी का भजन कर रहे थे, तुझे उठा के ले आए, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि तेरे सिर पर मथुरा का राजमुकुट हो। कंस ने कहा, यह कैसे संभव होगा देवर्षि कि मथुरा का राजमुकुट मुझे मिल जाए? नारद जी ने कहा, उपाय मैं बताता हूं। आज रात्रि तुम शूरसेन के महल को छोड़ के हिमालय चले जाओ कंस, भगवान शिव का तप करके उनसे वरदान में शिव धनुष को मांग लो। मल्ल विद्या में तुम निपुण हो, शिव धनुष को लेके मगध देश जाना। मगध नरेश हैं जरासंध, उनको भी मल्ल युद्ध बड़ा प्रिय है, एक बार उनको मल्ल विद्या में पराजित कर देना, वे तुमसे पुरस्कार मांगने को कहेंगे। बस पुरस्कार में उनकी दोनों कन्या अस्ति और प्राप्ति के हाथ को मांग लेना। अब जरासन तुम्हारे ससुर बने नहीं कि मगध की सेना दहेज में मिल जाएगी, जितने दुष्ट चारों ओर पृथ्वी पर हैं उनको एकत्रित कर लेना, रात्रि में ही मथुरा पर चढ़ाई कर देना, सैनिक मगध के मथुरा नगरी को अंदर से घेर लेंगे, तख्ते को पलट देना, उग्रसेन को कारागार में डाल देना और अगले दिन अपने को मथुरा का राजा घोषित कर देना। अब तो कंस की आंखों में चमक आ गई, मथुरा की राजगद्दी। कहा, देवर्षि ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करिए। नारद जी ने कहा, अब तो मैं उसी दिन आऊंगा तेरे पास कंस, जब तेरे सिर पर मथुरा का राजमुकुट रखा होगा। भैया नारायण 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 करके नारद जी चले गए। अब कंस को कहां नींद आवे, मथुरा की राजगद्दी मिलने वाली है, नींद तो कथा में आती है। तो महाराज रात्रि में ही शूरसेन जी के महल को छोड़ दिया, हिमालय गया, शिव का तप किया, धनुष ले लिया वरदान में और चलता हुआ आया मगध देश। मगध नरेश है जरासंध, जरासंध को मल्ल युद्ध में कंस ने पराजित किया।
तब जरासंध ने कंस को पुरस्कार मांगने के लिए कहा और उस पुरस्कार के रूप में कंस ने अस्थि और प्राप्ति के हाथ को मांग लिया। कंस के पराक्रम से जरासंध पहले ही संतुष्ट हो गए, इसलिए अपनी दोनों कन्याओं को कंस को समर्पित कर दिया। कंस का विवाह इन दोनों के साथ हुआ। मगध की सेना मिली दहेज में। अब जितने भी दुष्ट पृथ्वी पर थे उन सबको कंस ने मगध में बुलाया। पूतना को बुलाया, काकासुर को बुलाया, बकासुर को बुलाया, अघासुर को बुलाया, व्योमासुर, प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केशी, जितने भी थे उन सबको बुला लिया। संगठन में ही शक्ति होती है भैया, ध्यान रखना। और रात्रि में ही मगध की सेना लेकर के इसने मथुरा पर चढ़ाई की। मथुरा वासी सब सो रहे हैं, मगध की सेना ने मथुरा नगरी को अंदर से घेर लिया। रात्रि में ही तख्ता पलट दिया गया, उग्रसेन को कारागार के अंदर भेजा गया। और अगला दिन जब हुआ तो मथुरा वासियों ने राजगद्दी पर कंस को बैठा हुआ देखा। कंस अब मथुरा नरेश है, सिर पर मथुरा का राजमुकुट है। आज कंस मथुरा के महल में बैठा है। उस समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारायण 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 करते हुए नारद जी आए। कंस ने प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, देखो कंस, अब ये मथुरा का राजमुकुट तुम्हारे सिर पर कितना सुंदर लग रहा है। मैं तुमको ये कहने के लिए आया हूं, राजनीति का एक नियम होता है कि जब सत्ता हाथ में आ जाए तो पुराना हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अब तुम मथुरा के राजा हो तो जिन ब्राह्मणों ने, जिन संतों ने तुम्हारे पिता को भड़काया, उनके चल रहे समस्त आश्रमों को बंद कर दो। ना होगा कोई यज्ञ, ना होगा कोई जप, ना होगा कोई तप, सब पर पाबंदी लगा दो। तुम राजा हो, तुम भगवान हो, प्रजा को तुम्हारा पूजन करना चाहिए। तो ये जितने भी आश्रम 80 जी में आयकर मुक्त हो चुके हैं, इन सबको बंद कर दो, सब पर पाबंदी लगा दो। हाँ, कंस ने कहा, आप चिंता ही ना करिए, हाँ अब सबसे चुन चुन करके हिसाब बराबर करूंगा। नारद जी तो चले गए और महाराज कंस ने लगा दी पाबंदी। हाँ, नारायण के जप तप व्रत पूजन पर पाबंदी, कोई भगवान का नाम मथुरा में नहीं ले सकता, और यदि किसी के मुख से भगवान का नाम सुन लिया गया तो परिणाम मृत्युदंड ही है। प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। संतों से अपने रथ को अब खिंचवाता है परीक्षित, ब्राह्मणों से अपनी सेवा करवाता है। अभिमान इसका बढ़ता हुआ चला गया, अहंकार में ये चूर हो गया। मथुरा वासी तो सब भय से थर 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 कांप रहे। कंस की चचेरी बहन है देवकी, जो विवाह के योग्य है। कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता है। सोचा, अब मेरी बहन देवकी विवाह के योग्य है तो देवकी का विवाह मैं वसुदेव जी के साथ करूं। कंस शूरसेन जी के महल में बड़ा हुआ है, इसलिए वो वसुदेव जी के सद्गुणों से परिचित है। और जीवन में कोई कितना ही खराब क्यों ना हो, वो अपने साथ हमेशा अच्छे से अच्छे की ही अपेक्षा करता है। जब कंस ने देवकी के लिए वसुदेव जी को चुना है तो ये समझ में आता है कि कंस को धर्म और अधर्म का पूरा पूरा ज्ञान है। जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। कंस ने बहुत धूमधाम से देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। आज रथ में बैठा करके वसुदेव देवकी को स्वयं सारथी के रूप में ये रथ चला करके छोड़ने के लिए जा रहा है। उग्रसेन सुतः कंस स्वसुः प्रियचकीर्षयः। सुखदेव जी कहते हैं, मथुरा वासी तो कहने लगे, अरे भाई हो तो कंस जैसा। महाराज, कंस आज स्वयं रथ चला करके ले जा रहे हैं।
जिनके रथ को चलाने के लिए हजारों सारथी सदा खड़े रहते हो, वे स्वयं रथ चला रहे। भाई हो तो कंस जैसा। महाराज रथ को चलाते हुए कंस दौड़ाते हुए वन के मार्ग से निकले, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, रथ रुक गए। ए मूढ़ कंस, जिस बहन देवकी को इतने प्रेम और वात्सल्य से छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी तेरी बहन देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो। जैसे ये बात सुनी, घोड़ों की लगाम छूट गई, चाबुक गिर गया। क्या, मेरी बहन देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल? तो ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, कूद पड़ा रथ से, तलवार को मयान के बाहर निकाला, चढ़ाया रथ में और देवकी के केशों को पकड़ लिया। कहा, आज ही तेरे सिर को काट के निर्भय हो जाऊंगा। देवकी तो बिलकने लगी, रोने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। मुझे छोड़ दो भैया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। कहा, यदि तुझे जीता हुआ छोड़ दिया तो तेरा अष्टम गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तलवार उठाई सर काटने के लिए, उसी समय वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा, कंस क्या करते हैं आप? भोज वंश की कीर्ति को धूल में ना मिलाइए। ये तो अबला स्त्री है, आपकी बहन है, विवाहिता है। आप जैसे अतिरथी वीर के हाथों ये मरने की पात्र नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। कंस ने कहा, यदि इसको छोड़ दिया तो ये मेरे लिए संकट का कारण बन जाएगी। वसुदेव जी ने कहा, वचन देता हूं मैं आपको, मेरे जो भी संतान होगी मैं स्वयं आपको समर्पित कर दूंगा, आप निर्भय रहिए। कंस ने कहा, मेरी भी एक शर्त है, जब तक अष्टम गर्भ हो नहीं जाता आप दोनों को मथुरा के कारागार में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा, हमें स्वीकार है। कंस ने वसुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में सात द्वारों के अंदर बंधन में डाल दिया। हथकड़ियां और बेड़ियां लग गई सज्जनों। दिन बीतने लगे, वसुदेव और देवकी के शरीर बिल्कुल सूख गए। दिन रात बत नेत्रों से जलधारा बहती है और वसुदेव और देवकी भगवान का स्मरण करते रहते हैं। हे प्रभु, रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, हमारी रक्षा करें। मथुरा की प्रजा भी प्रभु को पुकार रही है कि प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करिए। हे पालनहार, अवतार लेके आइए, इस कंस का अंत करके हम सबको इसके भय से मुक्त करिए। हजारों सैनिकों के बीच सात द्वार के अंदर वसुदेव और देवकी, दिन बीत रहे और आज देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान का जन्म हुआ। कंस को सूचना मिली, दौड़ता हुआ आया, कहा, लाओ देवकी, ये बालक मुझे दो। छीन लिया उसको। देवकी ने कहा, भैया आपकी शत्रुता तो आठवें वाले से, ये तो मेरा पहला पुत्र है, इसमें आपका क्या बिगाड़ा है, इसको छोड़ दीजिए। बात तो सही है, तब मेरी शत्रुता आठवें वाले से, इसको मारने से क्या लाभ है मुझे। छोड़ दिया, लो। कंस बाहर निकल के आया, उसी समय कंस के मंत्रियों ने कंस को घेर लिया। कहा, राजन क्या किया आपने, छोड़ दिया? कंस ने कहा, मेरी शत्रुता आठवें वाले से, ये तो पहला है, इसे मारने से क्या लाभ। नहीं 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 महाराज, ये नारायण की माया समझ में नहीं आती है। हो सकता है आप इधर से गिनने में लगे हो और नारायण उल्टा गिनने में लगा हो, ये आठवें वाले कोई पहले भेज दिया हो, हाँ, इसलिए प्राण बार बार नहीं मिलते, समाप्त करिए इस बालक को। कंस ने कहा, तुम ठीक कहते हो, नारायण देवताओं के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इसलिए मैं इस बालक का अंत कर दूंगा। महाराज दौड़ के आया और कीर्तिमान को छीन लिया, शिला पर पटक करके बालक का प्राणांत कर दिया। वसुदेव और देवकी तो देखते रह गए।
कंस अपने महल में। दिन बीत रहे हैं, वसुदेव और देवकी के दूसरे पुत्र सुषेण का जन्म हुआ, कंस ने इस बालक को भी मार दिया, तीसरे पुत्र भद्रसेन को भी मारा, चौथे पुत्र ऋजु को भी मारा, पांचवें पुत्र संवर्धन को भी मारा, छठे पुत्र भद्र को भी मारा, और अब वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में स्वयं शेषनाग श्री बलराम जी के रूप में है।